हेलो एंड वेलकम। आज का ये वीडियो होने वाला है JBL लवर्स के लिए, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे एक JBL पार्टी बॉक्स को दूसरे JBL पार्टी बॉक्स से कनेक्ट किया जा सकता है विद द इनबिल्ट फीचर TWS। TWS यानी सिंपल है, ट्रू वायरलेस स्टीरियो। अब ये जो फीचर है ये इसके अंदर इनबिल्ट आता है JBL की तरफ से, लेकिन इसे एक्टिवेट और अनेबल करने के लिए आपको एक छोटा सा 7 सेकंड का एक प्रोसेस करना होता है। सो यार, विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो JBL के इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको ब्लूटूथ का जो बटन है 6 से 7 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है कंटिन्यूअसली। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आवाज़ आई। इसका मतलब इस वाले हमारे JBL पार्टी बॉक्स पे TWS फीचर एक्टिवेट हो गया है, और अब ये सर्च कर रहा है पेयरिंग के लिए दूसरे स्पीकर को। तो मीनवाइल अब हम इसे भी एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, 7 सेकंड के लिए ब्लूटूथ के बटन को प्रेस करके रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आवाज़ आई आपको। अब देखिए, दोनों पेयर हो जाएंगे, करेक्ट। तो अब दोनों हमारे JBL स्पीकर्स एक दूसरे से सिंक हो चुके हैं। इसमें से ऐसा नहीं है कि ये वाला मास्टर है ये वाला मास्टर है, दोनों है। जैसे कि अगर मैं इसमें वॉल्यूम बटन दबाता हूँ, देख रहे हैं आप, दोनों में वॉल्यूम बटन काम करेगा, एक पे बढ़ाएंगे दूसरे बढ़ेगा। अब मैं इस वाले से वॉल्यूम कम करता हूँ तो वॉल्यूम कम होगा। अब मान लीजिए मुझे लाइट बंद करनी है, तो एक पे करेंगे तो दोनों पे काम करेगा। तो मतलब दोनों मास्टर बन जाते हैं आपके पास, जो रीचेबल है आप उसके ऊपर जा करके, जैसे आपको लाइट ऑफ करनी है, हो गया, दैट्स इट, दोनों के हो जाएंगे। कोई एक मास्टर है, कोई भी एक जो आपको इजी टू रीच रहे। बेस अगर एक पे एक्टिवेट करेंगे दोनों पे हो जाएगा। बेस में बंद कर देता हूँ। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में मुझे जरूर बताइए क्या ये फीचर आपको पहले से पता था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।